बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके लिए लेकर के आई हूँ नॉन वेज बनाने की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नॉन वेज किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लेग पीस नहीं लिए हैं, ये मैंने पूरा चिकन लिया है। आप चाहे तो लेग पीस ले सकते हो, बट फ्रेंड्स ये मैंने पूरा ही मुर्गा लिया है। तो आज मैं चिकन बना रही हूँ, चिकन फ्राई। तो चलिए उसके लिए मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये आज की रेसिपी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप ज़रूर से बनाइए। और किस किस का ये मेरी तरह आपने ये चिकन बनाया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। चलिए हम चिकन फ्राई बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मैरिनेशन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसमें डाल लूँगी 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और फ्रेंड्स, ये मैंने एक पूरा लेमन जूस लिया है, चलिए इसको भी निचोड़ देते हैं इसमें। अब फ्रेंड्स, हमारा सारा लेमन जूस निचड़ चुका है, तो फ्रेंड्स मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप इस तरह से ये चिकन फ्राई बनाओगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपका इतना टेस्टी ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होगा। और मेरे स्टाइल में तो ज़रूर से बनाइए आप, मैं ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ रेसिपी लाती हूँ आप लोगों के लिए। और बस सारी चीज़ों को ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये फर्स्ट मैरिनेशन आपको ज़रूर से करना है फ्रेंड्स, ओनली 30 मिनट्स के लिए इनको हम रखेंगे साइड में और अच्छे से ये मैरिनेट होगा, इसमें अच्छे से ये सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से जाएगा। और फ्रेंड्स, कुछ कुछ चिकन में आप ऐसे ये थोड़ी से कट लगा लीजिए, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स इसमें अच्छे से ये मसाला जो भी हमने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लेमन जूस, इसमें अच्छे से फ्लेवर जाए। और बस ये सारी चीज़ें हमारी चिकन में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, फिर हम सेकंड मैरिनेशन करेंगे। अब मैं इसको ढककर रख देती हूँ साइड में। सो फ्रेंड्स, हमारी 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। ये फर्स्ट स्टेप था चिकन का। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप, इसमें चिकन ने पानी छोड़ दिया है काफ़ी सारा, तो फ्रेंड्स ये पानी हमें हटा देना है बिल्कुल भी, इसको रहना नहीं चाहिए पानी, क्या ताकि फ्रेंड्स ये अच्छा नहीं बनेगा, इसमें मसाला कोट अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसका पानी बिल्कुल हटा देना है हमें। तो मैं हटा देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो काफ़ी सारा पानी निकला है इसमें से। और आप ये मत सोचिए फ्रेंड्स इससे ये फ्लेवर आ जाएगा इसका, इसमें फ्लेवर तो अच्छे से मिल गया है फ्रेंड्स चिकन में, बट फ्रेंड्स ये पानी बिल्कुल हमें हटा देना है, ये यूज़ में नहीं लेना है, फेंक देंगे हम इसको। अब बात आती है फ्रेंड्स सेकंड मैरिनेशन की, इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लेवर स्पाइसेस मसाले हम डालेंगे इसमें, जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं धनिया पाउडर लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो उसको खूब सारा लेना है आपको, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। और फ्रेंड्स ये मैंने लिए कसूरी मेथी, फ्रेंड्स ये मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जी जरूर डालना आप। तो फ्रेंड्स इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे हाथ से और बस इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स ये मैंने 1/2 कप दही लिया है और ये मेरा एकदम फ्रेश दही है, होममेड दही है फ्रेंड्स ये, चलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और ख़ास करके फ्रेंड्स आप इतना ध्यान रखिए दही में भी पानी नहीं होना चाहिए, एकदम क्रीमी होना चाहिए दही भी। और फ्रेंड्स मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैदा ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कीजिए, फ्रेंड्स मैंने पहले भी नमक यूज़ किया था तो फ्रेंड्स उसका भी फ्लेवर नमक का है, हमने वॉश नहीं किया था चिकन को, सिर्फ पानी हटाया था हमने, मैरिनेशन पे हमने रखा था चिकन को। और फ्रेंड्स अभी हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं तो उसमें भी नमक हम थोड़ा ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स मैं इसमें 4 टेबल स्पून भर के मैं इसमें अरारोट पाउडर ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच जितना
इसमें रेड फूड कलर। अगर आपके पास इस स्टेज पे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए 2 टेबल स्पून। तो फ्रेंड्स मैं बस 1 पिंच ऐड करूंगी रेड फूड कलर। और फ्रेंड्स मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का सी बोला आपसे, फ्रेंड्स इसमें सिर्फ कलर होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हो मेरी तरह, जिस तरह मैंने किया है। चलिए अब अच्छे से सारी चीज़ों को हम कोट कर लेंगे इस चिकन पे। और फ्रेंड्स आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कुकिंग से रिलेटेड आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आप उससे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस बटन को जरूर से टैप कीजिए, इससे क्या होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी मेरी रेसिपी की। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स सारे मसाले हमने अच्छे से कोट कर लिए हैं चिकन के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में अच्छे से ये मसाला कोट हो गया है इसमें। और फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट के लिए और ढककर इसको साइड में रख देंगे। और फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि ये मसाले का अच्छे से फ्लेवर और इसमें निखर के आएगा फ्रेंड्स, एकदम फ्लेवर अंदर तक जाएगा इसमें। तो इसलिए हम 20 मिनट्स के लिए और रख देंगे इसको साइड में, मैरिनेट बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा ये। चलिए तो मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद। सो फ्रेंड्स 20 मिनट हो गई हैं, चलिए हम अपने चिकन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप इसका फाइनल लुक। और फ्रेंड्स इसमें अच्छे से मसाला मिल गया है, खुशबू आ गई है अच्छे से इसमें। और फ्रेंड्स चलिए फाइनली अब हम बारी आती है तो हम फ्राई कर लेंगे चिकन को। तो फ्रेंड्स इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, तो जिसमें हम मिक्स कर देंगे ब्रेड क्रम्स को। ये मैंने आधा कप लिया है फ्रेंड्स, ये होम मेड है ब्रेड क्रम्स, आधा कप से मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जितना ज़्यादा ब्रेड क्रम्स जाएगा इतना ही हमारा चिकन क्रिस्पी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब आती है इसकी बारी फाइनली। फ्रेंड्स हमने बहुत ही वेट किया है फ्रेंड्स, इसमें वक्त तो ज़्यादा लगता है, बट कहते हैं ना फ्रेंड्स सबर का फल मीठा होता है। तो फ्रेंड्स ये इतना मज़े का लगेगा अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो। और फ्रेंड्स ये सारे ब्रेड क्रम्स को भी हम अच्छे से कोट कर लेंगे चिकन के साथ में। और फ्रेंड्स आपके ब्रेड क्रम्स डालने से 2 फायदे होंगे, जैसे कि फ्रेंड्स एक फ़ायदा ये होगा इसमें जो कि इसमें जो पानी होता है चिकन में, पानी छोड़ता है चिकन बहुत फ्रेंड्स, तो वो इससे एकदम कंट्रोल में आ जाएगा पानी का मॉइस्चर जो है। और फ्रेंड्स दूसरी बात, इतना क्रिस्पी का आ रहा है एकदम मार्केट जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा, बिल्कुल बनकर तैयार हो गया ये चिकन हमारा। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो गया है, अब आती है इसकी बारी फाइनली फ्राई करने की। और ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने, गैस की फ्लेम मैंने मीडियम लो पे रखी है फ्रेंड्स, ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है हमें। तो इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स आपका ब्रेड क्रम्स डाल के चिकन ज़्यादा ड्राई सा हो गया है, तो फ्रेंड्स इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल के इसको सही कर सकते हो। फ्रेंड्स हमें इनको फ्राई करने में 15 मिनट लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स ये चिकन अच्छे से पकना चाहिए अंदर से भी और क्रिस्पी होना चाहिए। तो हम जब तक गोल्डन फ्राई हो जाएगा ये चिकन, तो जब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है, गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है आपको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो उसमें अच्छा सा कलर मैंने जो यूज़ किया था, तो फ्रेंड्स इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा चिकन फ्राई होने लगा है, तो अब इसको हम पलट देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है, अच्छे से पक गया है हमारा चिकन। तो हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। सो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही सारे बनाकर तैयार कर लूँगी चिकन को। सो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से सारा ब्रेड क्रम्स को इस पर अच्छे से चिपका लिया है जैसे कि आप देख सकते हो। चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा सारा चिकन फ्राई बनकर तैयार है एकदम, और कितना सुंदर लग रहा है इसका फाइनल लुक देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसको तोड़कर बताती हूँ ये कैसा बनाया है, एकदम अच्छे से अंदर ये फ्रेंड्स अच्छे से पक